जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NIS ऑनलाइन हब में, जहां दोस्तों मिलती है NIS से जुड़ी हर एक राज्य की ताज़ा अपडेट एवं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि 3252 शिक्षकों की जो भर्ती निकली थी उस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो बहुत सारा शिक्षकों को इस पर कमेंट आया कि सर, इस पर जो आप नेक्स्ट वीडियो बनाइए और बताइए कि सर, इसमें शैक्षिक योग्यता क्या है। उस पर बहुत सारा शिक्षकों का कमेंट आया, तो आप लोग का प्यार को देखते हुए मैंने जो है ये वीडियो लेकर आया है। और इस वीडियो में जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 5232 की जो केजी मतलब कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो वैकेंसीज निकली है उसका बारे में यहाँ पर डिटेल बात करेंगे। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, उसकी उम्र सीमा क्या रहेगी, उसका सैलरी क्या होगा, उस पूरा डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। आगे पढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही नए नए टीचर भर्ती से अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ था कि सीबू में 3252 रिक्तियों पर होगी बहाली। वार्डन शिक्षक समेत कई वर्षों से जो है पद रिक्त निकली है और इसी के बारे में मैंने वीडियो बनाया था। बहुत सारा शिक्षकों का कमेंट आया कि सर, इसका जो है योग्यता क्या है और शैक्षिक योग्यता कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इस पर वीडियो बनाए। बहुत सारा शिक्षकों का इस पर कमेंट आया, तो आप लोग का प्यार को देखते हुए मैंने इस वीडियो को लाया हूं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और अधिक से अधिक शिक्षकों तक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों नई शिक्षा नीति जो है लागू होने वाली है और उससे पहले आप एक जॉब ले लें अच्छी सी, यही आशा करता हूँ मैंने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि GBV में जो है इतना पदों पर आधी आबादी को यहाँ मौका मिलेगा। और ये अपडेट दोस्तों 2 दिन पहले का आया था, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो कि मुजफ्फरपुर से ये निकल के आई थी। और इसमें कहा गया था कि राज्य परियोजना निदेश सभी जिला से रिक्ति मांगी है और शिक्षकों की कमी को देखते हुए ये जो है नाराज़गी जताई है। और इसमें देख सकते हैं कहा गया था यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने भी इस पर नाराज़गी जताई है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से कितने पद हैं उसके बारे में। मैं वीडियो बना चुका हूँ तो इसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी फिर से बता दे रहा हूँ कि विभिन्न पदों पर निकली है। वार्डन का 218, भाषा शिक्षिका, दोस्तों यहाँ सिर्फ शिक्षिका ही यानी फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ इसमें कर सकते हैं। और जो है इसमें कहा गया है कि जो रात्रि पहरे हैं और उसको छोड़ते हुए यहाँ पर देखेंगे, रसोई पद लेखिका आदेश रात्रि पहरवर को छोड़कर बाकी सब तो महिलाएं होनी चाहिए। और इस तरह का जो इसका अपडेट दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक दिया हो गया है, वहाँ से आप इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे भाषा शिक्षिका 235, गणित विज्ञान शिक्षिका 306, सामाजिक विज्ञान 265, लेखापाल 313, आदेशपाल 264, रात्रि प्रहरी 343, रसोई पर 388, सह रसोई पर इतना। और 1 महीने के भीतर जो ये आवेदन पूरी क्रिया जो कहे जाएगी, ये आदेश आया है। और अब देखते हैं दोस्तों कि अब इसकी शैक्षिक योग्यता क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैं शैक्षिक योग्यता बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो है पिछले साल का मैं बता रहा हूँ, अभी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो यही रहना चाहिए जहाँ तक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है पद का नाम वार्डन शिक्षिका। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो स्नातक, किसी भी विषय में अगर स्नातक किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पर देखेंगे वांछित प्रौचिक का योग्यता प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए और शिक्षक पात्रता यानी TT उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप NIS से DLED किए हैं, रेगुलर हैं या BEd हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 2 साल की जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में परीक्षा होना चाहिए। मानदेय की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 7200 प्रति माह लिखा हुआ है विशेष भत्ता के साथ। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 37 वर्ष तक जो है इसमें भर सकते हैं और उसमें जो विभिन्न प्रकार के छूट आएंगे और इसमें सिर्फ महिलाएं भर सकते हैं। दूसरा दोस्तों बात करेंगे पद का
अंशकालीन शिक्षिका जो कि भाषा में है, लैंग्वेज स्नातक हिंदी अंग्रेजी विषय में, और इसका भी वही है, 2 साल का होना चाहिए, और इसमें भी 7,000, और इसमें भी जो महिलाएं आरक्षित है। यहाँ पर तीसरी पोस्ट की बात करेंगे, अंशकालीन शिक्षक विज्ञान एवं गणित का, तो स्नातक रासायनिक जीव विज्ञान भौतिकी गणित किन्हीं 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी जो है आपको स्नातक रासायनिक विज्ञान अगर किसी 2 विषय में है, जैसे रासायनिक जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान, भौतिक गणित किन्हीं 2 विषय में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये भी दोस्तों वही है रूल, और इसमें भी सैलरी उतना ही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है महिला के लिए जो है इतना दिया गया है 40, और अनुसूचित जाति के लिए 42, 37 साल ऐसे दिया गया है। पुरुष के लिए जो इसमें पुरुष दिया है 2 पद के लिए। अंशकालीन शिक्षा सामाजिक विज्ञान की बात करें तो स्नातक इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक, सामाजिक शास्त्र, समाज, किस किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, और इसमें भी सैलरी उतना ही, और इसमें भी क्रिटेरिया वही फुल फुल करता है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आगे जो यहाँ पर है अगला, ये मैंने बताया आगे है लेखापाल सहायक। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लेखापाल के लिए जो आईकम चाहिए, आईकम बीकम, और इसमें जो है सैलरी कितना है, शैक्षिक योग्यता वही है। आदेशपाल के लिए मैट्रिक, और यहाँ पर जो है दिया गया है इतना। चौकीदार के लिए भी मैट्रिक, और दोस्तों रसोई के लिए यहाँ पर पंचम मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, इसमें आप भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप जो है मैंने जो है सारी जानकारी, सारी डिटेल जो है आपको बता दी इस न्यूज के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी, और भी क्वायरी कुछ है आपके मन में, कुछ डाउट है, तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। दोस्तों इस तरह लेटेस्ट अपडेट और टीचर भर्ती से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, विजिट करते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही टीचर रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल पर। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।